दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं के चैप्टर वन फिल्म की सफलता के बाद पूरे विश्व में रॉकी भाई के नाम से प्रसिद्ध यश जी के जीवन के बारे में आपको बता दें कि इनका बचपन का नाम नवीन कुमार गौड़ा है लेकिन स्टेज का नाम इनका यश है यश एक फिल्म अभिनेता और पार्श्व गायक हैं जो ज़्यादातर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए लोकप्रिय हैं इन्हें साल 2014 में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म मिस्टर एंड मिसेज रामचारी में रामचारी की भूमिका के लिए जाना जाता है तो आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में विस्तार से और वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ तो इनका जन्म 8 जनवरी 1986 को एक हिंदू परिवार में भुवनहली हसन कर्नाटक में हुआ था इनके पिता का नाम अरुण कुमार है जो बीएमटीसी के पूर्व कर्मचारी थे और इनकी माता का नाम पुष्पा है जो ग्रहणी हैं इनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम नंदिनी है इनका पहला टीवी शो नंदा गोकुला था जो ई टी कन्नड़ चैनल पर प्रसारित हुआ करता था उसी समय यश की मुलाकात राधिका पंडित से हुई जहां दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ गए जिसके चलते इन्होंने अगस्त 2016 में गोवा में सगाई की और 9 दिसंबर 2016 को विवाह के बंधन में बंध गए और इनकी वर्तमान में एक बेटी है आपको बता दें कि इन्होंने अपनी पत्नी राधिका पंडित के साथ एक टी धारावाहिक में भाई बहन की भी भूमिका निभाई है यदि बात करते हैं इनके एजुकेशन की तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कर्नाटक में स्थित मैसूर के महाजना हाई स्कूल से पूरी कर बेनका थिएटर ज्वाइन किए जहां इन्होंने अभिनव कौशल की शिक्षा प्राप्त की अब बात कर लेते हैं इनके करियर की तो यश ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत अशोक कश्यप के निर्देशन में बनी नंद गोकुल्ला कन्नड़ टेलीविजन धरवाही से शुरू की थी जो ई टी वी कन्नड़ पर प्रसारित होती थी इसके साथ ही इन्होंने कई अन्य धारावाहिकों में भी काम किया है साल 2007 में यश ने पहली बार फिल्म जम्बाड़ा हुडुगी में एक सहायक भूमिका के रूप में कार्य किया और साल 2008 में इन्होंने राधिका पंडित के साथ मोगिना मंसूम में मुख्य अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई जो फिल्म बहुत ही सुपरहिट हुई थी इसके अलावा इन्होंने कई फिल्मों में काम किया जैसे साल 2008 में मोडाला साला में इसके बाद साल 2011 में इन्होंने तीन फिल्में की जिसका नाम है का राजधानी और नाटक इसके बाद साल 2012 में इन्होंने तीन फिल्मों में काम किया जिसमें से नाम है जानू लकी और राजा मौली इसके बाद साल 2013 में एक फिल्म की जिसका नाम था गुगली और ये सभी फिल्में बहुत ही हिट हुई थी इसके बाद साल 2014 में इन्होंने मिस्टर एंड मिसेज रामचारी में काम किया जो फिल्म बहुत ही हिट हुई इसके बाद साल 2018 में के चैप्टर वन में इन्होंने काम किया जो बहुत ही सुपर हिट मूवी रही है और अब के चैप्टर टू भी आ गई है आपको बता दें कि इन्हें कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में देखा जाता है और अभिनय के अलावा इन्होंने गायकी में भी काफ़ी नाम कमाया है इसलिए यश ने कई फिल्मों में गायन भी किया है दोस्तों आपको बता दें कि यह एक फिल्म का लगभग पाँच करोड़ रुपया चार्ज करते हैं तो दोस्तों ये रही यश की बायोग्राफी यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ